मैं त्रिप्यारी मिश्रा, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। मैं इसमें पहुंचा हूं दून अस्पताल में, और जिस प्रकार से पूरे देश में आइस फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अगर देखा जाए देहरादून में तो लगातार केसेस आ रहे हैं। उसी बारे में हम बात करने के लिए पहुंचे हैं दून अस्पताल। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं सुशील ओझा जी, जो आइस स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर ऐसे क्या हो रहा है, क्यों खासकर बच्चों में, बड़ों में भी आपको देखा जा रहा है कि क्यों हो रहा है आइस फ्लू। सर, पहले तो आपका फिर देवभूमि न्यूज़ में स्वागत है। मैं देवभूमि को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इतने गंभीर मुद्दे को, जो कि पब्लिक में एक जनमानस की समस्या बन गई है आई फ्लू, उसके बारे में उठाया है। मेरा नाम डॉक्टर सुशील ओझा है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में कार्यरत हूं। सर, पहले तो सर ये बताएं कि ये आई फ्लू आखिर है क्या, लोगों में दहशत का माहौल इसमें फैला हुआ है। आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे आपने सुना होगा वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इस टाइप के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए एक लैब के मशीन के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस वायरस के इन्फेक्शन से जो है ये बीमारी होती है, और इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जब इतने ज़्यादा केसेस होते हैं तो उसको कहते हैं एपिडेमिक कीरेटो कंजक्टिवाइटिस। तो सर, इसके मेन लक्षण क्या होते हैं, कैसे कोई जानेगा इनको आई फ्लू, क्योंकि बहुत सारी आंखें लाल हो जाती हैं, लोग कहना आंखों में जलन होना, इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये आई फ्लू ही हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि लाल तो आंखें एलर्जी से भी होती हैं, इसमें भी होती हैं, लेकिन जो कॉमन आदमी के लिए, वैसे तो ये कोई अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही बता सकता है कि ये एलर्जी है या इन्फेक्शन है। अगर आप घर के तरीके से देखना चाहें तो अगर आंखों में कीचड़ आ रहा है, आंखों के बाल चिपक रहे हैं, या सुबह उठने पे आंख चिपक जा रही हैं, तो ये ज़्यादातर इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। इसमें एलर्जिक होने का रिस्क कम से कम होता है। इसका क्या पीरियड है, मतलब शुरुआत कैसे होती है, कब तक होती है, क्या आंखों में जलन भी होती है, क्या कुछ तकलीफ होती है होने के बाद इसका? जैसे आई फ्लू होता है लाल आँख हो जाना, उसके बाद कई बार एक आँख से इन्फेक्शन होके ही ठीक हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो केस हमारे आ रहे हैं, एक आंख में इन्फेक्शन हो रहा है, फिर उसके दो या तीन दिन के अंदर दूसरी आंख में हो रहा है, फिर इसी तरीके की साइकिल पूरे घर में रोटेट हो रही है, उसके बड़े भाई को या छोटे बहन को, छोटे भाई को, फिर मदर में, फादर में, इस तरीके से पूरी फैमिली ही लगभग इन्फेक्ट हो जा रही है जहाँ भी ये इन्फेक्शन हो रहा है। अगर सर देखा जाए तो लोगों में धारणा बन गई है कि जो आई फ्लू हो रहा है सिर्फ छूने से हो रहा है या फिर कांटेक्ट करने से हो रहा है, ये आखिर धारणा में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा जो लोगों में धारणा है कि आई फ्लू वाली आंख देखने से आई फ्लू हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये कांटेक्ट ट्रांसमिशन इसका ज़्यादा है, फोमाइट बॉन्ड ट्रांसमिशन या एयर से कह लो ट्रांसमिशन कम है। तो जो आप, जैसे आपके हाथों में इन्फेक्शन है, अगर उस सतह में आपने, जैसे डोर हैंडल छुए, आप वॉशरूम यूज़ करा, कहीं पे भी आपने छुआ, उसके बाद किसी और ने आके उसको टच करा, तो ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से ज़्यादा फैलता है। तो सबसे ज़्यादा जो इसकी सावधानी है कि अपने हाथ साबुन से ज़रूर धोएं, अगर ऑफिस से आप आ रहे हैं घर आके साबुन से हाथ धोएं, उसके बाद ही घर में बच्चों के साथ खेलें, और अगर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनकी भी आदत डाल दें कि वो साबुन से हाथ धोएं, कपड़े बदलें, तभी जो है घर में खेलना कूदना शुरू करें, क्योंकि अगर उनके हाथों में वायरस आया होगा तो वो अगर बार बार कहीं कहीं इधर उधर टच करेंगे डोर हैंडल्स वगैरह को, और बिना साबुन से हाथ धोए टच करेंगे, तो इन्फेक्शन घर में भी फैल सकता है। सर, अभी देहरादून में कितने केसेस आ रहे हैं, क्या कुछ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लोगों को? देखिए, ये अभी ऐसे सारे डॉक्टर्स लगभग 40-50 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होंगे, तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जहाँ ना आ रहे हों। अब हमारा दून अस्पताल चूंकि बहुत बड़ा एरिया कैटर करता है, तो हमारे यहाँ 50-70 मरीज रोज आ रहे हैं। सर, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या कुछ करना चाहिए आई फ्लू के बचने के लिए? मेरी सलाह ये है कि जैसे हमने कोरोना में शुरू करा था कि हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करना, अभी कुछ दिन और इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, जो भी चश्मा पहनते हैं लोग, चश्मा पहनने से पहले हाथ धोएं, तभी चश्मे को हाथ लगाएं, और चश्मा उतारते समय भी हाथ लगाएं। मतलब अगर आपने चेहरे को छूना है तो धुले हुए हाथ से या सैनिटाइजर वाले हाथ से ही चेहरा टच करें, वरना चेहरे को टच ना करें। बाकी देखने से और उससे ट्रांसमिशन इसका ज़्यादा नहीं होता है। अब ये बात करते हैं कि इस सीज़न में क्यों ज़्यादा फैलता है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वायरस का सरफेस पे सर्वाइवल बढ़ जाता है, जिस कारण से इस मौसम में सबसे ज़्यादा इसके केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओझा जी, जिन्होंने तमाम जो भी जिस प्रकार से आइस फ्लू फैल रहा है, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बताया है।